प्रस्तुत है अब वंदना। हरिओम,
आज तीसरे दिवस के सत्र में दीक्षा के हम उसी धारा को आगे प्रवाहित करते हैं और जो चलन हम चल रहे थे उसमें क्या क्या नहीं किया है इस सोच से हम आगे बढ़ते हैं। कला का संस्कृति से, संस्कृति का समाज से और समाज का देश से एक बहुत अटूट संबंध है और उस सब का स्वाभाविक होना एक, क्योंकि समाज में हम जब जीते हैं तो उसके सब चीज़ों को हम समझते हैं और वो जिस हाव भाव में हम रहते हैं वो हमें दर्शाता है कि इस देश की संस्कृति कैसी है, क्योंकि संस्कृति और सभ्यता एक साथ चलती है। एक बात रही संकेत की, संकेत जहाँ पे हैं जो स्वाभाविक रूप से हैं वो विश्व भर में एक से हैं, वो उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं कि संस्कृति कहाँ से अलग होती है, जैसे आप एक राधा का वर्णन करते हैं तो घूंघट हमारे यहाँ लिया जाता है, भारतीय संस्कृति में सबको पता है जब हम उसका जेस्चर करेंगे, लेकिन अब जब बाहर करेंगे तो उनको घूंघट का महत्व बताना पड़ेगा, वाई वी आर टेकिंग दिस वेल, क्यों लेते हैं हम, या जैसे हम घड़ा लेके जा रहे हैं नदी में तो ये उनकी संस्कृति में नहीं है, उनको पता नहीं चलेगा कि पानी लेने के लिए हम नदी में क्यों जा रहे हैं, हम नल से क्यों नहीं पानी ले लेते हैं। हम मक्खन निकालते हैं तो वो कहते हैं व्हाई डोंट यू गो टू द मॉल एंड बाय फ्रॉम द मार्केट, आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जीवन शैली को, नृत्य और संस्कृति को अलग नहीं करा है, जो जहाँ से उठाते हैं वहीं से उसको दर्शाते हैं। कला आईना है समाज का, प्रकृति का, संस्कृति का और भक्ति का। भक्ति माने अध्यात्म भी ले सकते हैं और जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें सभी देवी देवताओं का वर्णन है, चाहे हम उनको पूछते हैं या नहीं पूछते हैं या हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन जब हम प्रारंभ करते हैं तो उन्हीं को वर्णित करके करते हैं। जैसे हम हर रोज़ कर रहे हैं, आज आपने विष्णु वंदना ली और विष्णु वंदना में भगवान विष्णु के जो रूप हैं, शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदर्शम मेघ वर्णन शुभांगनम, आपका जो वर्ण है वो मेघ के समान है, मेघ वर्णम शुभांगनम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग वृद्धानुगम्यम वंदे विष्णु भव भयहरणम सर्वलोके एकनाथम। जो आपने किया नलिनी जी ने गाया, मैं उसको थोड़ा सा ठीक कराती हूँ जो बिगनर्स को उसके न्यूएंसेस पता चलेंगे, रुक रुक के करेंगे, प्रारंभ करते शैया पे हैं वो कोई ऑर्डिनरी साप नहीं है, उसका दर्शाना कैसे है शेष ने देखिए। भोजन
सबसे बड़ी बात है कि आपने को समर्पित करिए। अगर आप भुजंग का एक्ट कर रहे हैं, अपने डांस में दिखा रहे हैं, तो अपने को स्वयं वो सर्प के उसमें लाइए। एक बात मुझे बहुत पसंद आई है, नलनी जी की, कमलनी जी की बहुत पसंद आई, फिर नलनी सुनिए, लेकिन शांताकार बोलिए कि देखिए वो शरीर कहाँ तक मीड लेता है, इसे मीड कहते हैं, पूरा फिगर में देखना कहाँ आपका ये भुजंग शयनम बोली आई दीवान शिव बोलिए। और तीन खंड चाहिए थे, तीन कट है दीवानशी, उसको ग्रिप में लाओ, जैसे कि जो अब युवा देख रहे होंगे बच्चे, जो हालांकि आपकी एज बड़ी नहीं है, युवा तो और बड़ी होती, मतलब एक बीच में है, तो फिगर को मेंटेन करके करिए, जैसे कि जो देखने वाले हैं उनको ऐसी दीक्षा नहीं मिल पाती है। जो लोग देते हैं, जैसे आपको दीदी देती है, मैं भी देता हूँ, देखो जिस तरीके से ये मोड़ कर रहे हैं और जिस तरीके से सिंग कर रही हैं, पहली बात होगी कि इनके गाने के साथ आगे वन स्टार्ट और है। आप जब श्रेशम मना रही हैं तो ये उंगलियाँ ऐसी हैं, देखिए श्रेशम का मतलब है ये चक्र है, तो इसका भी ध्यान करिए। मुद्रा दोष भी नृत्य में बुरा माना जाता है, जब मुद्रा इसकी, जब आपका शंख बना रही हैं तो शंख ये बनाए जाते हैं, जैसे मतलब फिश का ऐसा जैसे कहते हैं, तो इसलिए जब आप शंख बना रही हैं तो शंख में उंगलियाँ नहीं, एकदम करेक्ट होना चाहिए। बोलिए पद्मनाभम से लीजिए, पद्मनाभम से लीजिए।
वाले जी आप एक बात को दर्शाइए। ऐसा है, अगर पूरे श्लोक को वैसे ही गाते जाए, पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, और भाव मुंह पे कुछ भी ना है, ना खिले हुए कमल का ना पद्मनाभम का, तो दर्शकों को आप उधर लेके नहीं जा सकते। वही बात संगत में होती है। अब अगर मैं हर नाम कहा तो हमें वो इफेक्ट देना चाहिए म्यूजिक के साथ, क्योंकि म्यूजिक उसको और एनरिच करता है। तो हर नाम उमड़ घुमड़ के हैं, तो मेघ दोनों हाथ से उमड़ घुमड़ के नहीं। नल्ली जी ने कहा, एक बात मुझे भी अखरी थी कि जो बहुत अच्छा भाव बता रही हैं, लेकिन आपके भाव में एक जगह ज़्यादा कमी हो रही थी, विश्वा विश्वाधारम। तो अभी, वो अभी आएगा, हाँ, विश्वाधारम अभी आगे आएगा। नहीं, विश्वाधारम अभी पहले है, इसे पहले वरनम।
वंदे वंदे विष्णु भवभये हर लास्ट की वो दो लाइनें क्लियर हो गई क्या? एक नाथम वाली जो दो हम तरीके से ले रहे हैं। एक नाथम क्या ही मिल गया वो आपके जब खत्म हो गया तो क्या ही तो मिले थे क्या ही तो मिले थे खत्म कर दिया तुमने सर्व सर्वलोकम से सर्व लोके हम लय ताल को तो शुरू करेंगे आज हम रखेंगे 12 मात्रा लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ का विशेष इसमें वर्णन करते हैं और उसके बारे में बताना चाहेंगे ऐसा करती हूँ मैं उधर देखिए टुकड़े तोड़े परल ये सब चीज़ तो हमने करी लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो हम इससे अलग हटके करते हैं वो है वो पक्ष जो साहित्य से जोड़ता है नृत्य का साहित्य से कैसा रिश्ता है कैसा संबंध है क्योंकि एक हमारे नृत्य का साहित्य है और एक हम जो हिंदी साहित्य हमें मिलता है या संस्कृत में जो साहित्य मिलता है उसको हम अपने नृत्य में किस प्रकार ढालते हैं क्योंकि हमारे नृत्य का जो साहित्य है जो हम कवित करते हैं या ठुमरी है या भजन है जो गुरुजनों ने लिखी है गुरुजी ने भी बहुत सी लिखी हैं जैसे होली हम नाचते हैं ठुमरी नाचते हैं एरी सकी विरहणी नायिका वो नायक नायिका को ध्यान में रख करी हैं लेकिन जब आप किसी साहित्य के एक ऑरा में जाते हैं जिसे एक उसके एक कैटेगरी को लेते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ जैसे नाट्य शास्त्र से अलग कोई भी नृत्य नहीं है वो इतना अच्छा फॉर्मूला रहता है वैसे ही जो अष्ट नायिका हैं जो नवरस हैं जो नायक नायिका भेद हैं इससे परे जो अभिनय है इससे परे कोई संसार नहीं है तो अगर हम साहित्य से भी लेते हैं तो हमें वही चीज़ें मिलती हैं और उसको एक और कड़ी जुड़ जाती है और लोगों को अच्छा लगता है तो जो भक्ति काल के कवि थे उनका लिखा हुआ सारा साहित्य बहुत अच्छे छंद में है सूर रहीम कबीर मीरा
मीरा को तो सब चीज़ बहुत नृत्यमय है, अच्छी है, लेकिन जो जो दोहे भी लिखे हैं वो इतने अच्छे हैं, जब जब हम नृत्य में उसको ढालते हैं, एक तो वो संदेश देते हैं और दूसरा क्योंकि वो दोहे इतने अच्छे छंद में हैं तो अच्छे तरह से संगीतबद्ध भी होते हैं और भाव बताने में भी, जब हम उसमें भाव बताते हैं तो उसमें गति ज़्यादा नहीं है, तो एक ठहराव के साथ वो एक संदेश के साथ जब जाता है लोगों को बहुत प्रिय लगता है। और नृत्य में एक और चीज़ को बताना चाहूँगी मैं, एक है लोकधर्मी, एक है नाट्यधर्मी। जब हम लोकधर्मी का करते हैं तो उसमें क्या फ़र्क है पता है आप लोगों को, लोकधर्मी और नाट्यधर्मी में? नहीं, हम लोग जो नृत्य करते हैं वो है नाट्यधर्मी, क्योंकि हम नाटक करते हैं, हम पात्र बनते हैं। मैं नलिनी नहीं रह जाती, जब मैं अर्जुन बनूंगी तो मैं नलिनी नहीं होंगी, मुझे अर्जुन का श्रृंगार करना नहीं पड़ेगा, मुझे धनुष बाण नहीं लेना पड़ेगा, पात्र अभिनय जब मैं करूंगी तो मैं उस आभा में ढलूंगी नहीं। जब मैं कृष्ण बनूंगी तो मैं सिर्फ जेस्चर से, हाथ की मुद्रा से ही बंसुरी बनाऊंगी, हाथ में बंसी लेके कृष्ण नहीं। जब राधा बनूंगी या सखी बनूंगी या गोपिन बनूंगी तो मैं मटकी लेके नहीं जाऊंगी। हम जो हमारे शरीर के अंग है उसी से हम सब हाव भाव प्रदर्शित करते हैं, मुद्राओं से अभिव्यक्ति करते हैं, पात्र अभिनय करते हैं, हस्त अभिनय करते हैं, वो सब चीज़ को हम नाट्यधर्मी करते हैं क्योंकि हम नाटक करते हैं। और भगवान शंकर भी नटराज के रूप में हमारे सामने हैं, जो नृत्य के देवता हैं, नटराज हैं। अब जो हम आते हैं लोकधर्मी में, लोकधर्मी में जब हम कोई भी ऐसी चीज़ होते हैं, पंचवटी दिखानी है तो हम दृश्य बनाएंगे मंच के ऊपर, जिसे आप थिएटर कहते हैं, जब पूरा हमें पूरा थिएटर बनाना पड़ता है तो उसमें प्रॉपर्टी का बहुत ही उपयोग होता है। तो अगर हमें दिखाना होगा सीता स्वयंवर, तो उसमें हमें पूरा बकायदा दरबार लगाना पड़ेगा कि जहाँ पे सारे राजा लोग बैठे हैं और सीता का स्वयंवर हो रहा है, लेकिन पूरी माला लेके आएंगे, पूरा पूरा जेस्चर होगा, धनुष भी होगा, सजा जैसे आप नाटकों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं या फिल्म्स में देखते हैं या थिएटर देखते हैं, लेकिन जो नृत्यकार होते हैं हम लोग सिर्फ स्वयं एक ही कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं और पूरा प्रदर्शन करके चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो कुछ भी हम अभिव्यक्त करते हैं, जैसे नलिनी जी ने बताया, तो हम किरदार को निभाते हैं। किरदार को निभाने में कितना हम उसको निभा पा रहे हैं, कितना हमने उसे अपने अंदर उतारा है, वो सशक्तता आपके ऊपर निर्भर करती है, आपकी मनन स्थिति पर निर्भर करती है, आपने उसको कितना साधा है, मतलब आपने कृष्ण के कौन कौन से रूप देखे, उसको किस तरीके से अपने अंदर उतारा है। उतारना, साधना, एकाकार करना, ये कुछ शब्द हैं जो हम लोगों को समझ में आते हैं। मैं इसको हमेशा ऐसे बोलती हूँ, ईश्वर सब में एक पात्र ढूंढता है और हम बाध्य हो जाते हैं उसे निभाने के लिए। वैसे ही जब मंच में हम जो पात्र बनते हैं वो हम कितनी अच्छी तरीके से निभाते हैं, जीवन में भी ऐसा ही है, हम कितने रूप में होते हैं, बहन के रूप में होते हैं, कलाकार के रूप में होते हैं, हम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में होते हैं, तो उस किरदार को हम कितनी, घर का पात्र अगर आप ऑफिस में निभाएंगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे, अगर मैं माँ के रोल में हूँ और मैं ऑफिस की या कोई एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिसर का एटीट्यूड से काम कर रही हूँ या शिक्षक के रूप से कर रही हूँ तो वहाँ उसमें तालमेल नहीं खाएगा। तो जो किरदार आपको मिल रहा है उसको आप कितनी भली भांति जीवन में भी और मंच में भी निभाते हैं। लेकिन हम जो नाट्यधर्मी वाले हैं वो सिर्फ एक ही पात्र को, मैं अभी कुछ बनूंगी थोड़ी देर में, तो उस पात्र को निरंतरता उतारने के लिए जो हमारा स्थूल शरीर है वो तो हमारा दर्शा रहा है, लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है अंदर वो उस तक पहुंच के, उस किरदार तक पहुंच के उसे ले आता है और हम निराकार रूप में उसे अपने, इसे प्रोसेस, इसे बहुत बताने की, जो करता है क्रियाशील उसको ज़्यादा पता रहता है। और इतने दर्शकों को मैं 2 मिनट में नलिनी के बजाय
एक फीमेल के बजाय मैं कृष्ण नज़र आने लगूं और वो उसके जो हाव भाव से उसको देख के प्रसन्न हो और उनको उतनी देर में लगे कि कृष्ण एक दो नहीं हज़ारों दर्शक हो सकते हैं, 100 दर्शक हो सकते हैं। तो ये साधना है निराकार प्रभु की और उस सूक्ष्म शरीर से उस यात्रा की जो उस पात्र को लाके अपने अंदर लाता है और फिर सामने लाके दर्शाता है और कितनी अच्छी तरीके से आप उसको प्रस्तुत करते हैं ये इसमें मायने रखता है। तो ये रहा लोकधर्मी और नाट्यधर्मी। तो अभी हमने एक साहित्य की बात करी, नृत्य में साहित्य का समावेश। साहित्य के समावेश में ऐसा है कि बहुत से लेखकों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। अब सिर्फ हम मंच में दोहे कवित भजन इस तक ही सीमित रहें तो वो एक उसकी सीमा को बांध देगा। अब हमें उसमें और भी चीज़ें लेनी हैं। जैसे हम बैले करते हैं तो बैले में क्या होता है, आप एक ही उसमें हैं लेकिन पात्र आपको अलग अलग मिल जाते हैं। हम हैं नाट्यधर्मी, हम उसमें कोई प्रॉपर्टी लेके नहीं आते। जिसे आप कहते हैं ना साधना के लिए साधन जुटा लिए, तो हम साधन नहीं जुटाते हैं लेकिन प्रयत्न करते हैं कि हम ही पात्र के रूप में हो। जैसे महात्मा बुद्ध का हमने पात्र लिया, महात्मा बुद्ध होंगे वो उसकी वेशभूषा में होंगे, यशोधरा भी होंगी लेकिन यशोधरा अपनी वेशभूषा में होंगी। हमें कोई पात्र दिखाना हो, उसमें कोई चीज़ दिखानी होगी, जैसे कमल का फूल है तो हम कमल का फूल लेके नहीं आएंगे, हम उसको दर्शाएंगे। और जब हम दिखाते हैं लेके भी आएंगे तो हम लोकधर्मी में आ जाएंगे, नाट्यधर्मी उसकी श्रेणी है उसमें आ जाएंगे। जैसे आपने दिखाया नली जी ने अगर महात्मा बुद्ध की बात करी है, हम लोगों ने ये वाला नृत्य नाटिका करी भी है, तो जब हम दिखाते हैं मंच के ऊपर कि वो सिद्धार्थ रथ पे जा रहे हैं तो हम लोग मंच के ऊपर 4-5-6 अश्व नहीं लाते, घोड़े नहीं लेके आते कि वो स्टेज पे चल रहे हैं, केवल हम लोग स्वयं 3 लोग खड़े हो गए और अश्व बन गए और वो लेके जा रहे हैं और पीछे से सिद्धार्थ चलते आ रहे हैं। तो हमारे जो श्रोता लोग हैं उसकी चाल गति उनको भी ये पता होता है, ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। वो लोग हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कमाईनी में हम लोग 10-15 घोड़े लेके अंदर घुसेंगे, वो लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब दर्शक कितने होश, मतलब वो उनके मनन स्थिति में ये है कि नृत्य में ऐसा होता है। थिएटर देखने जाएंगे तो वो पूरा सा सेट लगा होगा, वो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। फिल्म्स में जाएंगे तो हैवी सेट्स होते हैं, तो वो सब होता है लोकधर्मी श्रेणी में। तो अभी हम लोग कुछ प्रस्तुतियाँ करेंगे बताएंगे। और जैसे आप लोग गद भाव करते हैं, गद भाव अगर आपने माखन चोरी का करा तो माखन चोरी में ऐसा नहीं करेंगे कि हम ऊपर एक मटकी लटका देंगे, उसमें कहीं से मक्खन भी लेके आएंगे, अगर कुछ ना मिला तो सिंबॉलिक रुई वुई लगाएंगे और फिर उसको फोड़ेंगे और देखेंगे वो गिरा, ये सब कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ हम दिखा देते हैं वो रहा, इशारे से कर दिया तो पता चला ऊपर कुछ है, सबकी निगाह जाएगी कि वो वहाँ पे कुछ है, उठा के फेंका तो पता चला उसने उसको तोड़ दिया। तो ये सब सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होता है। आप जब इसका कवि गद भाव दिखाएंगी माखन चोरी की या द्रौपदी चीरहरण, बहुत सारी गद भाव हैं तो उसमें आप ये दिखा सकते हैं, तब हम आपको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। अब कथक नृत्य की वेशभूषा की बात करते हैं, क्योंकि हम उसमें अंगरखा भी पहनते हैं, लहंगा भी पहनते हैं और दूसरी पोशाक भी पहनते हैं, लेकिन प्रयत्न करते हैं अगर हम भजन कर रहे हैं या हम स्तोत्र कर रहे हैं या हम उसमें कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो प्रभु को समर्पित है तो वो पोशाक पहने, जिससे उसका हाव भाव, क्योंकि कथक नृत्य में एक बड़ी खूबसूरती भी है कि एक और एक बहुत दौर से गुजरा है, जो एक पहले मंदिरों में नृत्य होता था, फिर राज दरबारों में आया, फिर हम आधुनिक मंच में नृत्य करते हैं। तो जो आधुनिक मंच में नृत्य करते हैं तो हम लोग पोशाक को आधुनिक, क्योंकि मैंने आपको बताया परिवर्तन चाहता है, समय परिवर्तन चाहता है और उस परिवर्तन के हिसाब से हमें कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं जो दर्शकों को भी अच्छे लगे, आँखों को भी अच्छे लगें और वो समकालीन हों, क्योंकि कर तो दर्शकों के लिए रहे हैं। और मध्ययुग में जो चलन आया था गज़ल का, दरबारी नृत्य का, उसमें अंगरखा, चूड़ीदार पजामा, फिर छपका लगाना, मतलब उसके हाव भाव जो थे वो थोड़े मुगल अंदाज में थे, प्रस्तुति के भी और वेशभूषा के भी। और
जो हम प्रीमुगल स्टाइल ऑफ डांसिंग करते हैं, जो मंदिर नृत्य शैली है, उसमें अधिकतर चोली हुआ और घाघरा पहन लिया और या फिर साड़ी को उस तरीके से लपेटा। तो एक दौर से गुजरे हुए इस नृत्य में हमें थोड़ी इस बारीकी का ध्यान रखना पड़ता है, या पीछे जो हमें दिया है, अभी तो जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उसके आगे भी नृत्य होते हैं, जैसे खजुराहो फेस्टिवल है, मोडेरा फेस्टिवल है। तो अगर हम मंदिर के सामने नृत्य कर रहे हैं और हम वहाँ गज़ल नाच रहे हैं या दरबारी नृत्य कर रहे हैं या वो पोशाक पहने, तो वो उसकी विधा से उसकी उससे तालमेल नहीं खाता है। इस चीज़ का भी हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वो इसलिए कि लोग उसको टोके ना। तो जहाँ पे आप करें, क्योंकि वो आपको एक वातावरण देता है काम करने का, और जिस पे विशेषकर जिस सब्जेक्ट को आपको दिया जाए, जैसे आज पूरा कृष्ण का करना है, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि उसके छंद, उसका कवित, उसके गीत संगीत सब उसमें कृष्णमय हों। तो हम साहित्य का जो इसमें समावेश है, क्योंकि कला का साहित्य से, साहित्य का समाज से, और समाज का देश से, और देश का फिर उसकी संस्कृति से बहुत गहरा संबंध है। और संस्कृति में नृत्य एक बहुत विशेष स्थान रखता है, क्योंकि नृत्य में सबसे अच्छी बात है, बिना कहे भी हम बहुत कुछ कह जाते हैं, जबकि हमें थिएटर में डायलॉग बोल के ही कहना होता है। इसमें अगर हमारे साथ गाना चल रहा है, जैसे अभी आप शांता कारम, तो गाने जो संगीत है वो उसको एक तालमेल करके दर्शकों को दिखा रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने सिर्फ नज़र से कह दिया, सिर्फ बता दिया, तो वो भी नहीं। और ये जो संकेत है, ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं, जैसे मैं शुरू में कह रही थी कि बहुत सी चीज़ें सभ्यता और संस्कृति पे डिपेंड करती हैं, उन लोगों को पता नहीं, लेकिन संकेत जो चीज़ है वो विश्व भर में एक है। जैसे आप कहीं पे भी जाइए, तुम तो तुम होगा, ये तुम नहीं होगा, ये मैं होगा। तो आप किसी से भी कहेंगे, वो लैंग्वेज जानता नहीं जानता, तो तुम ही रहेगा। भूख लग रही है तो आप ऐसे ही करेंगे, भूख लगते समय कोई ऐसा नहीं कहेगा कि भूख लग रही है, सुनाई नहीं दिया है, दिखाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, जब हम कहते हैं ना जीवन नृत्य है और नृत्य जीवन है, क्योंकि हम जीवन के समाज के उन सब अंगों को अपने अंदर ढालते हैं जो लोग समझते हैं। बस फर्क इतना है कि हम उसे साथ के एक भाषा दे देते हैं, अंग उपांग और प्रत्यंग से, जो हम अभी आपको बताएंगे। और साधारण तक जो मनुष्य होते हैं वो उसको मूड्स के हिसाब से, नहीं 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 जाओ जाओ जाओ, कोई ये नहीं कहेगा नहीं 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 जाओ जाओ जाओ, है ना, ये जेस्चर नेचुरल है, इसको आप कोई मना नहीं कर सकता, नहीं 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 गो अवे, कोई नहीं कहेगा गो अवे, है ना। तो तो जब हम कहते हैं डांस इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, वो यहाँ आके करती है, क्योंकि एक तो रिदम, जो कथक हमारे नृत्य में बहुत स्ट्रांग है, वो दुनिया भर में एक सी है, जब बदलती है तो सबको पता चलता है कि नीचे से समझाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी हाव भाव किसी को देख के अगर आप कहेंगे ना आई लव यू, मुझे आपसे बहुत प्यार है, तो ये तालमेल नहीं खा रहा, मुझे आपसे बहुत प्यार है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, नो वन विल से यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो आपके हाव भाव, आपके शब्द अगर तालमेल खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं भी खा रहे हैं तो आपकी जो हाव भाव है वो भी बहुत कुछ कह जाते हैं। शब्द तब तक जीवित नहीं होते हैं जब तक वो सिर्फ लिखे हुए हैं, जब वो गायन में शब्दों के अभिव्यक्ति में आते हैं तो वो एक सेतु बना लेते हैं अभिव्यक्ति का। और नृत्यकार में की सबसे बड़ी चीज़ है कि वो उन शब्दों को अपने अंदर ढाल कर, चाहे वो मूक रूप में हो और चाहे अभिव्यक्ति के रूप में हो, अंगों से उसका प्रदर्शन करता है। बहुत सुंदर। तो हम लोग इससे ये है कि जो अभी देख रहे हैं युवा पीढ़ी, तो उनको बहुत साहित्य का लेंगे, साहित्य का दो दोहे लेते हैं पहले हम। इसमें दोहे का समावेश, जो दोहे का चलन रहा, तो उसमें किस तरीके से कथक नृत्य में कई बार होता है कि हम एक नृत्य करने जा रहे हैं, उसमें उससे पहले एक दोहा बहुत कुछ कह जाता है, मतलब उसकी एक एटमॉस्फियर बना देता है। जैसे आप एक करुण रस की अभिव्यक्ति में जा रहे हैं और आपने सिर्फ इतना लिया, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े हैं जाए, तो इसने उसके लिए एक
एटमॉस्फेयर बना दिया कि ये कुछ बिछुड़ने का है, कुछ दुखद है, और उसने बहुत कुछ कह दिया और उस कवि की जो रचना है वो भी सजग हो उठी दर्शकों के सामने। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि जब दोहे पे अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि बहुत देर तक हम कवित करते रहें, अपने तत्कार करते रहें, अपने तोड़े टुकड़े करते रहें, तो मन एक बदलाव चाहता है। और ये बदलाव में जब साहित्य का समावेश नृत्य में होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और कथक नृत्य में क्योंकि हिंदी भाषा अधिकतर प्रयोग होती है तो उसमें बहुत अच्छा तालमेल के साथ जाता है। अब उठेंगे, दीदी देख कर आएंगी, फिर आप करेंगे। तरीके से जब प्रेजेंटेशन में हमने प्रेजेंटेशन के तरीके से दिखाया, जब हम दोहे को प्रस्तुत करते हैं तो उसमें भाव का प्रदर्शन तो होता है और थोड़ा रोचक हो जाता है। किसके लिए? दर्शकों के लिए, क्योंकि हम दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके भक्ति का जो एक वातावरण है वो उसका बना देता है। एक दो दोहे और ले लेते हैं। थोड़ा सा ना तबले का मुझे साउंड ज़्यादा लग रहा है, अगर उसको थोड़ा ट्यूनिंग करवा दें तो वो बास दे रहा है या तो फिर मॉनिटर से कम हो रहा है, कम करना है थोड़ा सा।
हाँ ज़्यादा साउंड आ रही है, उसको ओवरलैप है, थोड़ा कम कर दिया। एक मिनट ट्राई करिए, कित मुरली कर लें। देखिए अब्दाल जी आप करिए, मन को जरा अच्छी चाहिए, बहुत सुंदर ढंग से। जैसे नमी जी हम लोगों ने बताया, इट्स ओके, आई कैन फिर मैं मोड़ूंगी कैसे। देखिए हम जैसे हमने बताया, अब हमने राम को दिखाया, तो राम का प्रतीक धनुष हुआ, फिर हमारा वैष्णव तिलक हुआ, और हमने जब तुलसी कहा, तुलसी मस्तक, तो तुलसीदास जी को कैसे दर्शाया जाएगा? तो चंदन, तिलक, जनेऊ, ये हुआ प्रदर्शन करने का सांकेतिक, एक उनको पूरी रूपरेखा बना दी। जैसे आप देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान, चश्मे दो बना दिए महात्मा गांधी के, तो लगता है महात्मा गांधी, एक स्टिक दिखा दी तो लगता है ये उनका प्रतीक है। तो उसी तरीके से हाँ मोर रख दिया, और एक मोर के साथ बांसुरी रख दी, मोर का पंख रख दिया और बांसुरी रख दी, तो हो गया कृष्ण का प्रतीक। दो पांव एक दूसरे से जुड़े हुए, सिर्फ उसमें पायले हैं और दूर बांसुरी है, तो राधा कृष्ण बैठे हैं। तो ये संकेतिक इतना है, जैसे नन्ही जी ने बताया कि हमारे संस्कारों में है, हमें मालूम है, हमें ज्ञात है साहित्य से या जो भी हम पढ़ते हैं कि क्या किसका संकेत है। जैसे ही शिव जी का नाम लिया जाएगा, जैसे ही शंकर का नाम लिया जाएगा, तो सीधे ही हमारा हाथ ऊपर जाएगा जमरू के लिए या त्रिशूल के लिए। और अब त्रिशूल भी शिव जी का कैसा है और देवी का कैसा है, तो अलग अलग ये हम लोगों को गहन अध्ययन करना होता है और उसको ये देखना होता है कि किस तरीके से हमें उस छवि को अपने अंदर उतारना है। बाल कृष्ण कैसे होंगे, कुरुक्षेत्र के कृष्ण कैसे होंगे, और माँ यशोदा की गोद के कृष्ण कैसे होंगे, और राधा के कृष्ण कैसे होंगे, मीरा के कृष्ण कैसे होंगे। और राम दोनों का ही वर्णन आ रहा है कि कृष्ण बन गए राम, वो दोनों जो आ रहा है, क्या बात है। हाँ मतलब जो अब्दाल तुम थोड़ा देर तक आलाप करो उसको, वो कह रहे हैं कि ये आलाप देर तक करो, तभी झुकेगा जब उनके हाथ में धनुष होगा। मतलब वो इतने समर्पित है राम के प्रति कि जबकि विष्णु के छवि देखना चाहते, विष्णु के तीनों अवतार हैं, कृष्ण भी और राम भी, लेकिन वो समर्पित हैं राम के लिए। बहुत अच्छी बात थी। तो आपने फिर से एक बार देखिए, नलिनी जी ने जैसे उसको राम को बढ़ाओ और बढ़ाओ राम को, Oh।
तरह से राम जी के धनुष बनाए गए, जन के कारण ने कृष्ण भये रघुनाथ। जब समुद्र रहा नहीं दिख दे रहे थे तो लंका जाते वक्त, तो एक बार सिर्फ राम जी क्रोधित हुए हैं, तो वो वर्णन हमने यहाँ दिखाया। अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने भये रघुनाथ, कारण एक ये है, दूसरा रघुनाथ ये उन्होंने उठाया समुद्र के लिए। ये तो सोचेंगे ये कौन सा भाव दिखा रहे हैं, ये करा फिर आकाश मार्ग के, ये तो ये तीन वर्णन है अपने जन के। अपने पत्ता टूटा डार से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़े हैं जाए। ट्राई करती पत्ता टूटा गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़े। रुके पहले पत्ता जगा दो, कई टूट रहे हैं ना, पर पत्ता वही टूटेगा जो सूखा हुआ होगा। ताजी लगा हुआ पत्ता कभी नहीं टूटता, उसको तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो स्वयं में टूट के गिर रहा है ना, तो उसके स्वयं में गिर रहा है, मतलब अब उसका जीवन निरर्थक हो गया है, अब उसकी कोई जरूरत, तोड़ा नहीं जा रहा है, स्वयं में टूट रहा है। ये पत्ता वो है जो अब ऊपर से झड़ चुका है, उसकी अब जरूरत नहीं है। तो एक ही बात कही, कोई बात नहीं, कई सारे पत्ते नहीं तोड़ रही है। पत्ता टूटा दूर पड़ी।
एक इनको बताने के लिए बच्चों को किस तरीके से लेते हैं, ये बताएंगे या दूसरा ले? यही ले लीजिए। हमने जीवन को रंगमंच माना है, संसार को रंगमंच माना है। ये छोटा सा संसार है, इसमें ही जैसे मैंने कहा पात्र बन के अभिनय करके अपने दायित्व को निभा के, और वो भी समय में जैसे जो समय मिलता है उसमें हमें पूर्ण करना होता है, कितनी अच्छी तरीके से निभा सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। दोहा है, मैं रंगमंच की कठपुतली डोर बंधी उंगल पोर, जब चाहे तुम खींच लो मैं होंगी उस ओर। ये निर्गुण लिख रही थी तब मैंने ये लिखा था। मैं रंगमंच की कठपुतली, जो हम जीवन जीते हैं वो कठपुतली का है, डोर उसके हाथ में है, जब चाहे तुम खींच लो। मैं तो सिर्फ अभिनय करने आई हूँ, मैं अभिनय कर रही हूँ, आप नचा रहे हैं उसके अनुसार मैं नाच रही हूँ, लेकिन कितना अच्छा नृत्य कर रही हूँ ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। फिर भी कर्म को प्रधान रखा है। नलिनी जी गाएंगी। ये जो आपने पात्र की बात की तो आपने सबने नोट किया, जो दर्शक इस समय हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने भी एहसास किया होगा, नलनी नलनी नहीं हो रही है, इसमें कठपुतली बनी हुई है। और कठपुतली भी कई प्रकार के, उंगलपोर एक अलग है था और उस पर हाँ, और उसको उसको नचाना एक अलग बात थी। बहुत अच्छा कहा नलनी जी आपने, अच्छे पात्र को दिया। Thank you.
मैं होंगी उस और, ये वाला जो उस और है ना, ये हमें प्रतीक्षा का है। आप जब चाहो खींच लो, तो हम दुखी नहीं हम फिर खींच लो खींच लो। अगर आगे आ जाते तो मधु खींच लो, और मैं अभी दिखाने एक चीज़ जो आप डोर बंधी जो करती थी ना आप, वो बहुत खूबसूरत करती थी, वो करके दिखाइए दीदी। और ये जो है ना कठपुतली में आपने जो है इसमें गजल हिलाई उसके ना पूरे इसमें डोर बंधी। देखिए अभी मीरा जी के बिना नृत्य का कुछ काम हो लगता है, जैसे भक्ति है नृत्य है और मीरा नहीं है तो अधूरा है। लेकिन राधा के कृष्ण और मीरा के कृष्ण दोनों फ़र्क हैं, मीरा का नृत्य और राधा का कृष्ण नृत्य फ़र्क है। मीरा निराकार प्रभु को लगातार अपने मन से याद करती हैं और द्वैत की भावना हटे एकमय हो जाए ऐसा उनका मन रहता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। उनका भाव इतना सशक्त है कि मन को झंझोर देता है। इसमें आंसू हैं, प्यास है, मीरा ने अपना हृदय उड़ेला है। वो अंत तक प्रतीक्षा है कब द्वैत मिटे और प्रभु से एकाकार हो। इस भक्ति में, निराकार प्रभु की भक्ति में मीरा निरंतर अपने आप को प्रभु से समर्पित करती हैं और उस निराकार प्रभु को आकार दे के जब वो सामने लाती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। और प्रेम की पराकाष्ठा देखिए जब वो कहती हैं, साजन जो मैं जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत करे ना कोई। ना उनके प्रीतम पास थे, ना ढिंढोरा था, ना कोई पीटने वाला था, केवल भावना थी। सब चीज़ भाव के अधीन है। आप जो विचारते हैं, विचार भाव अभिव्यक्ति, जो आप विचारते हैं उससे आपका भाव उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होता है उसे अभिव्यक्त करने के बहुत से माध्यम हैं। लेकिन नृत्य ऐसा माध्यम है कि उस रस को, जिसे कहते हैं टू द पॉइंट टच करना, करता है और वो आपको असर करता है। तो
कहती है, साजन जो मैं जानती, प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत करे ना कोई। ललित जी आपने गाएंगे इसको? अफजाल आपको पता है वाला? नहीं पता है तो अभी तो शब्दों में बोल दीजिए, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, साजन जो मैं जानती, जैसे भी गाएंगे हम आपको बताएंगे। माण में ले लेते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। भक्ति और श्रृंगार दोनों से ओतप्रोत है और समर्पण है और आशा है कि वो मुझे मिलेंगे, और उलाना भी है अगर मुझे ऐसा पता होता। प्रीत करे दुख होए तो नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत करे ना कोई, क्योंकि उनको उससे कितना दुख हुआ है, कितना उनको उनसे प्रतीक्षा का जो आस थी वो प्रभु नहीं मिले हैं, उस प्रतीक्षा के हर क्षण को वो झेल रही हैं, तो वो उलाना भी दे रही हैं, समर्पण भी कर रही हैं और उनको अभिव्यक्त भी कर रही हैं। ये आप लोगों के लिए सरप्राइज था, क्योंकि हमने सोचा साहित्य से जब इसका संबंध लें तो क्यों ना उन कवियों का। अब कोई और चीज़ लेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। दोहे दो दो लाइन में बहुत भाव भी बता देते हैं और एक संदेश भी दे देते हैं और अच्छा भी लगता है, और नृत्यकार लोग इसका प्रयोग भी करते हैं सब जगह। एक सावन का ले लीजिए। अध्या आप वो गाएंगी, अभी आप अपने आप करो फिर हम उसको सुधारेंगे। हमने आपको भी सिखाया नहीं है, लेकिन वो गाएंगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही। नली जी उतना ही लेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छोटी मीरा है, अभी बड़ी नहीं हुई है, प्रौढ़ नहीं हुई है। देखिए, हम लोग उपज अंग की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक ही ये उपज सब शुरू हो गई।
पहले ऐसे ही होता था, जैसे मैंने आपको दूसरे सत्र में भी बताया था, हमें पता नहीं होता था हमें क्या प्रस्तुत करना है। तो अभी इनको, हमारे सिंगर को पता नहीं है हमें क्या प्रस्तुत करना है, लेकिन इसी में आनंद है। चलिए चलिए बताने जो नहीं हुआ बताने, हमें बताने भी तो दिया। अब पूरा कर लेंगे, उसको याद करवा दीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल के जैसे आप उनके साथ झूला झूल रही हैं, वो एक भाव लाइए, फिर आप फूल चुन रही हैं और उन्होंने आपके पास आके देखा, या आप श्रृंगार कर रही हैं वो आपके पास आगे, या माला बना रही है, माला बनाते बनाते आपको उस समय कृष्ण नजर आए, तो ये भाव बढ़ता है। चलिए चलो आप भी कर लो उनके साथ। और क्या नाम है, दीवांशी, क्या क्या बोला ठीक है। अब इसी बात को पैर से कहिए आप, जब ठेका खत्म हो जाए तब पैर से कहिए उसको ठीक है। धा दी ना धा दी फिर धा दी ना धा दी ना धा दी ना धा दी। अब लीला फिर से आई, आइए सेंटर में आओ ना, पहले पहले वो जहाँ सिर मुकुट वाली बात खत्म होती, जब वो खत्म हो जाए तब कहिए ठीक है नंदी। Yeah.
किसी का बना देता है। नहीं, कमल ने, कमल जी आपसे सुनेंगे, कमल जी आपसे सुनेंगे। आपने उपज अच्छी करी, लेकिन अगर हम एक छोटी सी बात बता रही हूँ, अगर हम बार बार कहें आए मैं तीन बार भी हम यही करेंगे तो चेंज नहीं हुआ भाव में, संचारी भाव, तो हम कहेंगे आपने बहुत अच्छा नाचा क्योंकि आप लोगों को, और बेटा आपको पता नहीं था कि ये करना है, वेरी गुड अटेम्प्ट। लेकिन क्या है, जैसे हमने एक बार कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, और दूसरी बार में मेरे तो, फिर हमने ये एंगल बदल दिया तो एक नया एंगल मिल गया। तो हमने पहले मेरे तो कहा, फिर दूसरे बार हमने मेरे तो कह दिया, फिर हमने कह दिया मेरे तो, अब सोचते क्या हुआ इसमें, मेरे तो हम पूरी तरीके से मेरे तो कुछ इसमें कुछ भी नहीं है, मेरे तो है केवल मेरे तो, और उसे दो तीन बार क्या ही मिले, क्या ये हुआ मेरे तो, पलट के उनको देखा तो मेरे तो, मेरे तो, मेरे तो, तीन चार तरीके से अगर हम कहेंगे तो अच्छा लगेगा। मीरा के नृत्य में और राधा के नृत्य में एक, मीरा के नृत्य में एक सीमा है, उस मर्यादा की सीमा से को वो नहीं लांघती हैं, वो पूर्णता भक्ति में हैं, जबकि राधा के नृत्य में आपको श्रृंगार रस भी से भी सराबोर मिलेंगी, भक्ति में भी मिलेंगी और आलिंगन में भी मिलेंगी, लेकिन मीरा का जो भी है वो बड़ा सात्विक भाव है, उनकी सोच, उनका समर्पण उस निराकार प्रभु के लिए, इसलिए उनके नृत्य में, जैसे हम कृष्ण का कोई नृत्य करते हैं या शिव भगवान का करते हैं तो उसमें नृत्य की गुंजाइश बहुत रहती है, लेकिन हम जब राम को दर्शाते हैं या उनके उस पात्र का नृत्य करते हैं तो हमें उस मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है कि उस मर्यादा की सीमा को हम ना लांघें, तो इसमें भी बहुत गुंजाइश है नृत्य करने की अगर हम नृत्य करके दिखाएं, लेकिन चूँकि वो मीरा का पात्र है और वो समर्पित हैं प्रभु को, उस निराकार प्रभु को, तो उसमें जो भाव है आप लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसको भी किस बदले तरीके से बदल के कर सकते हैं वो कमलनी जी आपको बता रही हैं। मैं ये बता रही थी कि मीरा के जो नृत्य है और राधा के नृत्य में श्रृंगार रस है, इसमें श्रृंगार भक्तिमय है। अभी हम लोग दोबारा करेंगे, हाँ करते हैं, अभी आप 12 मात्रा लीजिए, नहीं ना जी, कमल जी सोलो करेंगे 12 मात्रा, हाँ तो सोलो तो फिर अलग अलग पार्ट में है, रुक रुक के मैं बता रही हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, राइट बोलिए। मैं चाह रही थी आप थोड़ा राधा का बता देती, डगर चलत मोसे करे बरा जोरी, तो उसमें ना राधा और कृष्ण का जो एक प्रेम की जो पराकाष्ठा है और ये मीरा का, दोनों का फर्क पता चलना चाहिए, ये मैं चाह रही थी। ठीक है। मीरा का आपने दिखाया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, या नगर ढिंढोरा पीटती, अभी राधा का थोड़ा सा दिखाने से, डगर चलत मोसे करे बरा चोरे, काना मोहे ना छेड़ रे,
सेकेंड। बात बताऊं, बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको नाचा, हालांकि मेरी लिखित है ये ठुमरी, मैंने लिखी है सॉरी, और मैंने ही कंपोज की है भाग्यश्री में, लेकिन कमलनी से अच्छा कोई नहीं नाचा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठुमरी से थी जब शुरुआत की थी तो शायद ये कि राग को कैसे चुना है, राधा कृष्ण के राग कितना कॉम्प्लिकेटेड है और उसकी बढ़त कैसी है। ठुमरी में बढ़त जो है भाव की होती है हर उसमें, और हमने भाव की बढ़त के साथ साथ ताल की और लय की भी बढ़त की है और बोलों की जय जगर चलत मुझे कर मुझे कर। अब आइए है।
इसमें और है, लल्ली जी को मालूम है, कमल जी का है, जब ठिठोली कह देती है तो वो कह जगह जगह चलक मोजे कर रहे थे ना, और ऐसो ढीठ, एक सेकेंड अब डाल, ऐसो ढीठ छेड़ रहा है वो, राधा परेशान हो जाती हैं, तो वो कहती हैं कि ऐसो ढीठ ना माँ ने मोरी, और फिर एक बात और कहती हैं कि अच्छा तब बहुत देर हो गई, तो मेरी माँ और मेरे परिवार वाले मेरे घर में, तो वो कहते हैं कि जाने दे राइट ओके बस एक एक मतलब ये है हॉट वाटर में स्विमिंग, लाइक ऐसे पहले श्रोता लोग करते थे फरमाइश कि, और मुझे याद है पटना में हम लोग कुछ नृत्य कर रहे थे और ऑडियंस में से आवाज़ आई कहरवा कहरवा, हम कहरवा नाचने लगे, फिर आवाज़ आई कहरवा पटना का कहरवा, अब मुझे समझ में नहीं आया कहरवा तो कहरवा होता है, ये पटना भोपाल और बम्बई का कहरवा क्या होता है, पता नहीं महाराज जी ने कुछ ऐसा पैर बनाया कि रिएक्शन खुशी का आया, तो हमें पता चल गया ये पटना का कहरवा है। तो इस तरीके से अब जैसे नल्ली जी ने कहा कि मीरा के कृष्ण और राधा के कृष्ण वो बताइए, तो आप यकीन मानिए ये ठुमरी मैंने सन 72 में नाची थी और सन 72 से ही मैंने नृत्य सीखना शुरू किया था गुरुजी से, और ये पहला प्रदर्शन होता था जो हम लोगों ने सन 73 से शुरू किया था, वो तब नाची थी, उसके बाद आज मुझे अचानक कहा कि ये नाची है, तो आप सोच सकते हैं कि, और इन्होंने भी कभी गाई नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे एक
बहुत पुराने साथी हैं अफजाल जी, उनको सबका नाच सबका गाना सब याद रहता है, तो उन्होंने सहारा दिया और गुरुजी से द्वारा लिखी थी ये ठुमरी हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत करी ऊपर जंग में। ठीक है, तो अब ये होता है ना, जैसे आपने दो बार तो कह दिया जाने दे मोहे जाने दे, जाने दे मोहे जाने दे, जाने दे जाने दे मोहे जाने दे, अब आखिरी में जाने दे को जब तक आप एम्फेसाइज नहीं करेंगे हम कैसे जाने देंगे कृष्ण को। तो आप चाह रही थी कि मैं कृष्ण को लेके चली ही जाऊँ, वो नहीं हुआ। तो तिहाई तो मिलनी ही होती है, तिहाई जब तक मिलोगे नहीं तो आप पिंड नहीं छुड़ा सकते हो। तो जाने दे मोहे जाने दे। जैसे मैंने राधा का कृष्ण, मीरा के कृष्ण का वर्णन किया, आप लोग सुन रहे हैं, तो इसमें क्या था कि भाव दोनों का फर्क था। और दूसरी बात यह है कि जब आप किसी चीज़ को करते हैं, चलन में लाते हैं, तो आपको उसका फ़र्क पता चलता है, नहीं तो क्या है कि हाँ भाई एक भजन हुआ गा के चले गए। लेकिन नृत्य का जो संगीत है, नृत्यबद्ध जो संगीत है, वो एक अलग होता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी संगीत शुरू कर दें और उस पर नृत्य होने लगे, लेकिन जो नृत्य की ठुमरी है वो उसके अनुकूल होती है, जिसमें भाव की भी बढ़त हो सके और कहाँ से आपको समय मिले भाव बताने की गुंजाइश का, जिसमें थोड़ा चलन भी हो, पाँव का काम भी हो और एक निरंतरता बनी रहे। चलिए अब ताल क्रिया लेते हैं, और ताल क्रिया में जैसे मैंने कहा था 12 मात्रा लेते हैं। आप उठान उठिए और फिर चलन में बीच बीच में बता दीजिए। जय जयवंती। चलिए से आपका दो आवृत्ति 12 मार्क कंप्लीट करिए, ठीक है ना, फिर गजमुख कहिए, जिससे के जो देव हैं उनको प्रसन्न करने के लिए टाइम तो दीजिए उनको, ठीक है। भिन धागे तेरी किट तो धा 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 Da 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 da
बहुत अच्छे। अगेन रुक के
छुट्टा टिक छुट्टा जी दूसर छुट्टा टिक छुट्टा जी दूसर धा 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 टिक छुट्टा जी दूसर धा 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 अब इस एक और क्या ही है हाँ नाद दिन्ना पलट देंगे बाद में देखिए एक खास सूरत है बनास घराने की कि हाँ एक 12 मात्रा है 12 मात्रा में 16 एक जगह आ रहे हैं और तीन ताल आज बन रही है और फिर आड़ बन रही है उसकी तीन ताल की है अब मैं एक काम करूंगा मैं बोलूंगा पहले फिर उतना ही जवाब दीजिएगा पहले जैसे जैसे आपने कहा आप पहला होगा पहले इतना अब देखिए कमाल है कि 12 में छत जो है क्या बन रहा है वो सोचने वाली बात है आइए आगे आओ पैर से अच्छा बनाओ कमल नहीं आगे आ जाओ एक मिनट आप रुक जाइए आप बढ़ेंगे ये अलग हुआ ये जमीन अलग है इसकी अब बढ़े इसको और उसमें धृढ़ता का प्रयोग किया आइए हाँ जी फिर दिन दिन धागे के कित दो ना करता ठीक है आइए ठीक है ताते जी आते जी ता धृढ़ता ताते जी आते जी ता
क्या फर्क होता है, दीदी ने उसको इतना खूबसूरत ढंग से, हर एक कोई अच्छा डांसर है, डांसर का मतलब मन से कहो। ये तो आनंद लेने वाली बात है। अक्सर देखा है, हम लोग देखते हैं क्या हुआ, हाँ हम लोग देखते हैं कि वैसे तो सभी घराने हैं, बहुत अच्छी बात है, बनारस में एक शिफ्ट है, नहीं तो क्या होता है कि आप एक तालना कोई बोल नाच रहे हैं उसमें एक ही लय रखी, ज़्यादा दुगुन कर दी उसकी, लेकिन ऐसे कम बोल हैं, प्राचीन बोल हैं हमारे घराने के या हमारे गुरु ने हमें सिखाया कि चारों खंड बन के आए, ठा दुगन तिगन और चौगन। इसमें एक बहुत खूबसूरत बोल है कत्तक तादरी, आपको कौन सा बोल है, माइक पे जाओ, झाकड़ तक झाकड़ की बाला सुनाओ, याद है, सामने जाओ माइक पे पढ़ो बोलो।
पहला वो अब पहला वर्ड सुनाइए ढाकड़ तक ढाकड़ ये वर्ड सुनाइए da
आइए। ये वाला कवित कोई महीने दो महीने पहले गुरुजी ने बनाया था इन्हीं दोनों लड़कियों के लिए, मतलब नहीं नहीं मजा आ रहा है आपको देख के, मजा नहीं नहीं बहुत अच्छा नाच रहे। आइए आइए कहता धागे धागे तिरकट तू ना कट्टा। हाँ सिखा दिए राइट वेरी गुड। अच्छा नंदी जी आप बता रही हैं शिव शंकर की जटा जूट में। अच्छा ठीक है वाह शिव फरदीन अब हम इधर से लेंगे कि जैसे हमेशा नली जी कहती है ना मूड बनाया, अब शिव जी के आने से पहले हमने मूड बनाया। धाई गुड़ूम धाई गुड़ूम धाई गुड़ूम धाई गुड़ूम धाई गुड़ूम धा धाई गुड़ूम धाई गुड़ूम धा धाई गुड़ूम धा धाई गुड़ूम। शिव शंकर की जटा जूट में गंग विराजे चंद्र बाल पर कान में कुंडल तने धारी नील 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 कंठ पर। गंगा का गिर रहा है गंगा गंगोत्री गए कभी आप वहां कैसे गंगा का रूप होता है वो बताइए पुटारी नल जी। देखिए ऐसा है अगर हम ये कहें कि ये डमरू बनना बनाना गलत है या ये सर्प लाना गलत है या सही है तो ये सिर्फ हमारा अनुमान है क्योंकि शिव जी को हमने तो देखा नहीं है, केवल एक हमारी कल्पना है, उसको हमने अपने चित्रों के द्वारा मनन करके एक उनका रूपरेखा बनाई है अपने मन में स्वयं से। किसी के मन में शिव जी कैसे हो सकते हैं किसी के मन में कैसे हो सकते हैं, लेकिन जब कलाकार चाहे वो नृत्यकार हो चाहे चित्रकार हो जब उसको प्रस्तुत करता है तो वो अपनी सोच
वहां तक ले जाता है, एकाग्र होके उसे उतारता है। तो हमें कभी कभी वो बड़ा सटीक लगने लगता है, तो हम कहते हैं ये सुंदर है, ये सच्चा है। तो जैसे अब हम इनको बता रहे हैं, या हमको गुरुजी ने बताया कि अगर हम करें डमरू बाजे तो वो ओजस्व नहीं आ रहा, केवल अगर हम इधर ही हिलाए जा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत जगह उज्जैन में आप लोग गई थी तो आपने देखी थी भस्म आरती सुबह के टाइम में, जब शिव जी के मृत्युंजय जी की भस्म आरती होती है तो वहाँ पे इतना अद्भुत दृश्य होता है कि लगता है थोड़ी देर के लिए कि वाकई में हम लोग शिव की दुनिया, शिवलोक में आ गए हैं। क्योंकि जिस भाव से उनकी आराधना शुरू होती है, चौखट पूजी जाती है, भस्म उनके ऊपर डाली जाती है, और जब वो भस्म डाली जाती है शमशान की, और उसके बाद जो वो डमरू बजाते हैं, इतने बड़े बड़े डमरू होते हैं, दो दो जने मिलके बजाते हैं, तो हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लगता है कि क्या शिव का ऐसा स्वरूप होगा। तो केवल ही कल्पना मात्र है, अर्चना जो हम करते हैं वो कल्पना मात्र से करते हैं जी। जैसे अब हम केदारनाथ या मानसरोवर में दर्शन किए तो वहाँ कोई शिव जी बैठे हुए नहीं हैं, कोई जैसे हमने उनका रूप बनाया है कि उनकी जटाएं हैं या वो अपने वो मृगछाल पहने, ऐसे हमें कोई दिखाई नहीं दिए वहाँ पर। हम लोगों ने बहुत भ्रमण किया लेकिन केवल हमारी सोच में है। और पर एक जैसे मानसरोवर में कैलाश जी के ऊपर एक चंद्रमा है दिखा हमें, तो हमें लगा यही उनका स्वरूप होगा, प्रकृति में विराजमान है। जैसे हम लोगों ने पहले दिन किया था ना, कृपा समुद्रम सुमुखम त्रिनेत्रम, तो हमारा विचार में वो वहाँ पे ब्रह्मांड में है। इसीलिए तो आप जो कर रहे हैं वो कुछ गलत नहीं है, केवल हम उसे सौंदर्यपूर्ण ढंग से और बता रहे हैं कि हमारे मन में जब तक ये नहीं लगे कि हाँ 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 शिव जी की बात बन पाई, छवि बन पाई, तब हम तब तक हम उसको सुधारते रहते हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम फिर से शुरू करते हैं ये वाला कवित है। राइट, दिन दिन आइए, आप इतनी देर से इतने सारे भगवान के साथ हैं, क्या ये पूर्ण नहीं है? ना का 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 ना 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 का का शिव शंकर की जटायु में रंग विराजे चंद्रभाल, कान में कुंद त्रेंतदार नील 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 कंठ पर भुजंग विराजे, कर में डमरू डिबिग डिबिग डिम 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 बाजू नाच रहे शंभो धा बहुत अच्छा गा आपने। पढ़िए
माता दादा है। एक बात सुनिए, देखिए ना, देख टिकट टिकट को साफ करिए, आप करें ना टिकट टिकट देखते टिकट टिकट लहरे गिरदान दादा दी धारी धारी दादा दा धारी धारी दादा दा धारी धारी दादा दा आ दादा दा गद गने दा टिकट टिकट देखते टिकट टिकट लहरे गिरदान दादा दी धारी धारी दादा दा धारी धारी दादा दा धारी दादा दा आ दादा दा गद गने दा टिकट टिकट देखते टिकट टिकट लहरे गिरदान दादा दी धारी धारी दादा दा धारी धारी दादा दा धारी धारी आता आ दादा दा अगेन आइए सॉफ्ट रखो ले रहा देन धागे तेरी किट तू पढ़ो
ना कट्टा ना दिख 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 ना दिख 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 ना दिख 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 क्या बात है विशेषता है। देखिए ये एक ताल ऐसी हो रही है, बंद ही नहीं, नहीं तो क्या होता है, नाच रहा होता है बंद ही है, कहीं से भी जा रहे हैं, और इसमें रिस्क भी है कभी कभी हो जाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं है। गिनती है, गिनती है तो गिनती में तो आना है। कौन सा दिन अतीत अनागत ये करा जाए, पंच पहले ये कर लीजिए, उसके बाद एक कवित करेंगे। क्या करेंगे, कमल जी भी गुरु आज तो आपने कमल क्या कर रहे हैं, क्या होता है फिर से, क्या बात है, अतुल को सुनाओगी साथ में, क्या बात है, अब्दाल आप ही बजाइए इसको, अब्दाल सुनाइए, कमल नहीं नहीं जरा हमारे साथ इंद्र को सुनिए, स्टाई को मिलके, क्या बात है, अब्दाल जी साथ सुनाइए, आनंद तो आता ही रहेगा। चलो अरे आद्या एक दो तीन चार पांच पढ़ के सुनाइए, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार, एक दो तीन एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक दो
आ रही है वहाँ? देखो ऐसा है तुम्हें याद है तबला मिलाइए दो तीन चार पाँच छः सात हाँ आगे बढ़िए दिन धागे क्या बात है जब बच्चे पहले 1000 तक की गिनती सीख जाते हैं 100 तक की तो हम लोग सिर्फ 7, 5, 6, 8, 10 में ही रहते हैं लेकिन रिदम में है इसलिए सब लगता है बोलते ना अभी तक गिनती नहीं आई तुम्हें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेकिन वो रिदम में और ताल में आना चाहिए चलिए बोलिए एक बार जोर लगा के जरा आगे जाओ क्या बात है भाई अभी थके थोड़ी आप भाई साहब आप पहले चल दिए थे आप थोड़ी जल्दी थी अच्छा अगर आपको लगता है एक मिनट कि आप निकल रहे हैं तो आप तीसरे पल्ला कौन सी मात्रा से पकड़ोगे दूसरा पल्ला कौन सी मात्रा से पकड़ोगे ऐसा नहीं है आना जाने की कोई बात नहीं है हर गली हर मोड़ हर मात्रा पर पता होना चाहिए बताइए अरे लीजिए आप गदगिन धा आपने करा ना तो 11-12 पे आए आप 8, 9, 10 गदगिन धा फिर आप 11 पे शुरू हुए है ना फिर दूसरा आप चले आप 5 से धागे तेरे किटू ना धागे तेरे
तेरी किट तू आगे टिकटे तो ना करता पड़ी दम लगा के क्या बात जोर से पांच छह एक दो तीन पांच एक दो तीन चार एक दो तीन दो एक दो तीन पांच सात एक दो तीन आठ एक दो तीन नौ दस एक ने दा एक दो तीन चार पांच सात एक दो तीन पांच छह एक दो तीन पांच एक दो तीन चार एक दो तीन एक दो क्या बात है धाते याद है अच्छा कवित कहिए आइए एक कवित करते हैं अगर नृत्य में से शिव पार्वती राधा कृष्ण राम सीता के प्रसंग निकाल दिए जाएं तो नृत्य में मुझे लगता है कुछ है ही नहीं सुना सुना सा है हम हर मिनट हर क्षण उनकी छवियों को किसी ना किसी रूप में स्मरण करके प्रस्तुत करते रहते हैं अब इस कवित में ये भी गुरुजी ने लिखा है तो इसका इसकी प्रस्तुति देखिए बारह मात्रा में चुम छ न न न न चुम छ न न न न चुम छ न चुम छ न चुम छ न 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 घुंघरू पा नाच रहे नट भर थई टाम थई लटक के मटक मटक के अद्भुत अद्भुत पा बता मन कृष्णा आ कृष्णा बनत राधा आ अजब गजब न्यारी गत नाच रहे कृष्णा 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 आ कृष्णा 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 आ कृष्णा आ कृष्णा 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 आ कृष्णा बहुत अच्छे क्या है ना जब हमने कहा ना राधा और कृष्णमय हो जाती हैं तो राधा बनत कृष्णा और कृष्णा बनत राधा तो हमेशा आप वर्णन में देखते होंगे अर्धांगिनी में अर्धनारीश्वर में आधा शिव आधी पार्वती ऐसे ही जब हम राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं तो इस कवित में कभी कृष्ण राधा बनते हैं कभी राधा कृष्ण बन रही हैं तो एकमय हो गए इसका स्वरूप का जो तात्पर्य है वो है जो नलिनी जी ने बात करी थी द्वैत रूप मिट जाए एकाकार हो जाए उसकी छवि का वर्णन है चलिए
आइए आइए फरदीन। अतुल जी लहरा जरा संभाल के। लचक के मटक मटक के अद्भुत अद्भुत भाव बताव राधा बनत कृष्णा आ कृष्णा बनत राधा आ अजब गजब न्यारी गज नाच रहे कृष्णा 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 कृष्णा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब कृतिक चतुर्णी है इसमें नहीं है कृतिक चतुर्णी। अच्छा हाँ क्या है धागे टिटे धागे टिटे कर धागे टिटे धागे टिटे। ठीक है पढ़ो नली। हम लोगों ने और भी तो बहुत कुछ करना है। हमने अंग उपांग प्रत्यांग में से शुरू ही नहीं करा कुछ। हम कुछ भी ले लेते हैं उसी में बहने लगते हैं। क्या हो गया बारह मात्रा को ये सुनाऊं। धागे टिटे धागे टिटे कड़धा टिटे धागे टिटे गद गिने नागे टिटे कटे टिटे धागे में धागे टिटे कटे गद गिने दा 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 ये नहीं है। कभी कभी मुझे भी आश्चर्य हो जाता है कि ये लोग 10 मिनट से ज्यादा नहीं नाचते हैं। एक ताल 12 आधा घंटा नाचते हैं तो मैं भी दिमाग से पता नहीं निकल जा इतना भंडार लगता है कि आश्चर्य हो जाता है। धन धन धागे तेरी किट तो धन धन धागे तेरी किट तो ना कट जो है ना वो अब फ्लो में पकावट जंग में ये बात है। आगे बढ़ गए धागे तेरी किट दी ना धागे तेरी किट तो ना कट्टा धागे तेरी किट दी ना धागे तेरी किट दी ना धागे तेरी किट दी धागे दिन 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 दिन। अच्छा राइट ग्रह में जा रहे थे आपने मंगल का रास्ता बना दिया। धागे हमने ऐसे भी नाचा है कुर्सी का कोई मूड का कोई भरोसा नहीं है। देन, ना धागे तू ना कहता धागे तेरे किट दे ना धागे टिटे धागे टिटे कर धागे टिटे धागे टिटे गले गिन नागे टिटे कटे टिटे धागे न धागे टिटे कर धागे गले गिन धा 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 धा
धागे टिटे धागे टिटे कड़ा टिटे धागे टिटे जगन नागे टिटे कटे धागे धागे टिटे कटा गडगिन धा 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 बहुत अच्छे तातुं तातुंगा तातुंगा है इसमें था, सारा उपज था शुरू से अंत तक, मतलब ठुमरी हो वो उपज, इन्होंने मुझे कोई ठुमरी याद दिलाई और वो मुझे नाचनी पड़ी। तो ये उपज हो रहा है, अब आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ पे पाँव डालना है। देखिए कमाल इस बात की है, आज मैंने भवानी से शुरू किया था और दुर्गा अपने आप से आ गई लास्ट में, सदा भवानी से शुरू किया था।